हेलो गेमर्स, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त गैंग ऑफ गेमर्स और हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। तो गाइज़र, आप सभी जानते होंगे कि हमारे पबजी के अंदर 90 FPS का सपोर्ट आ चुका है, जो कि 90 FPS का सपोर्ट कुछ ही डिवाइसेस में आ रहा है। अब गाइज़, बहुत से बंदों के मन में ये सवाल होगा कि उनको 90 FPS का सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा। तो गाइज़, इसका सीधा सा फंडा है, अगर आपके फ़ोन में 90 FPS है और पहले से गेम आपका एक्सट्रीम पे चलता था, तो अब वो 90 FPS पे चलेगा। जैसे कि वन प्लस के अंदर, वन प्लस 7 प्रो डिवाइसेस के अंदर आ जाएगा। बाकी जो तुम्हारा वन प्लस नॉट है, वो 90 Hz का रिफ्रेश रेट जो है वो करता है, मतलब सपोर्ट। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो 90 FPS भी गेम के अंदर सपोर्ट करेगा, पहले चेक कर लेना। क्योंकि जिस फ़ोन के अंदर पहले से स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ही नहीं चलता, तो उसके में क्या 90 FPS घंटा चलेगा। तो ये चीज़ थोड़ी क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो ये बात एक तो मैं आपको बताने वाला था। और गाइज, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यार, जो पबजी का नया अपडेट आने वाला है, जो कि थी हमारी सीरीज 0 पॉइंट करके चलती थी, तो अब वो 1 पॉइंट हो चुकी है। और ऐसा बोला जा रहा था कि यार, बीटा वर्जन रिलीज होगा तो उसके अंदर नई UI दिखाने को देखने तो उसके अंदर एक नई UI देखने को मिलेगी, जो कि होगी पबजी PC जैसी। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने आज बीटा अपना अपडेट कर लिया, और अपडेट करते ही गाइज, जब मैं इसकी मतलब मैंने खोला गेम को, तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी का कुछ ऑप्शन आया, देन लोडिंग स्क्रीन के अंदर बीच में कुछ गोला सा बना आ गया, देन जैसी मैंने यहाँ पर लॉबी खोली तो मेरे को कुछ इस प्रकार से दिखा रहा था। यहाँ पर मेरे साइड में इमोट्स आ रहे थे, और अगर मैं यहाँ से देख लूँ तो वर्कशॉप का ऑप्शन दिखा रहा था। वर्कशॉप के अंदर तुम्हारा वही एक्स सूट दिखा रहा था, और सीजन दिखा रहा था जो पहले से लॉक था, और पूरी की पूरी UI चेंज हो चुकी थी। तो अभी क्या है कि यहाँ पर बेसिक UI दिखा रहा है, पूरे एनिमेशन यहाँ से चेंज हो चुके हैं। तुम यहाँ पे देख पाओगे कि तरह तरह के एनिमेशन आ रहे हैं। और जब मैंने यहाँ पे लॉगिन करा था, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लॉगिन करते टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करा था गेस्ट अकाउंट को, क्योंकि मैं यहाँ पे फेसबुक से लॉगिन नहीं कर पा रहा था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यार, तरह तरह की चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे डाउनलोड्स पर लगा रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे देखिए प्रोफाइल पर क्लिक कर रहा हूँ, तो प्रोफाइल मेरी कुछ इस टाइप से दिख रही है। यहाँ पर मेरी ये पूरी प्रोफाइल की लॉबी है, जहाँ पर मुझे मेरी सारी डिटेल्स दिखा रहा है कि मेरा कितना टीयर है, और मेरा पोर्टेबल क्लोजेट एकदम सेंटर में आ रहे हैं, मेरी प्रोफाइल दिखा रही है। देन आगे से देखिए, मेरी यहाँ पे अगर मैं साइड से क्लिक करता हूँ, तो मेरी पूरी ID की डिटेल्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कितना मस्त बना रखा है। और यहाँ पे हम ऐसे करके मतलब पूरा एनिमेशन चेंज हो चुका है सब चीज़ों का। तो आप देख पाएंगे कि मतलब हर चीज़ एक नए एनिमेशन के साथ खुल रही है। अब गाइस, थोड़ा टाइम लगेगा इसके साथ नए UI में हमें मतलब बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर की साइड अगर मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, तो मैं अपने फिर से उस लॉबी के अंदर आ जा रहा हूँ, और पूरा का पूरा इंटरफेस एकदम अलग यहाँ पे बना रखा है। तो जब हम पहली बार गेम को खेलेंगे, तो हमें थोड़ा थोड़ा अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी UI यहाँ पे अलग होने वाली है। तो गाइस, ये जो पूरा अपडेट है, ये आज ही आया है, पूरा 1.5 GB का कुछ अपडेट था बीटा वर्जन में। तो ये बीटा वर्जन की लीक्स हैं, तो जब ये सब चीज़ें हमारे ग्लोबल में आएंगी, काफ़ी अच्छे से बेहतरीन होकर आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं बीटा वर्जन को खेलना, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। एंड गाइस, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था बेसब्री से, वो चीज़ आ चुकी है, जो कि है एरेंगल 2.0। तो गाइस यार, एरेंगल 2.0 है, हम इतने ज़माने से इस बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि क्या ही बोलूँ, बहुत दिन हो गया यार बात करते, बहुत महीने और करीबन एक साल भी हो चुका है। पर गाइस, फाइनली एरेंगल 2.0 ग्लोबल बीटा वर्जन के अंदर आ चुका है। जी हाँ गाइज, अब मैं आपको स्क्रीन पे उसी का गेम प्ले दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे लॉबी पे एंटर करता हूँ, देन अगर मैं यहीं से सेटिंग्स पैनल्स में जाना चाहूँ, तो सेटिंग्स के पैनल की भी पूरी एकदम काया पलट गई है, देखने में पूरी UI चेंज हो चुकी है, कंट्रोल्स वगैरह की भी UI पूरी चेंज है। क्लिक करने पर एक अलग सा एनिमेशन देखने को मिलता है। देन अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरा मैं प्लेन में चढ़ चुका हूँ, पूरा हरा भरा मेरे को दिख रहा है, आसमान नीला, नीचे हरा भरा, पूरी हरियाली, और ये एरेंगल 2.0 है। इसका मतलब ये होता है कि गाइस, जो हमारा पुराना वाला एरेंगल होगा, उसी को रिप्लेस करेगा नया वाला एरेंगल। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल था कि यार, एरेंगल आएगा तो क्या होगा, मतलब कि पुराना वाला एरेंगल रहेगा कि नहीं रहेगा, नया आएगा। अब गाइस, होता ये कि अगर नया आता, तो लोग क्या करते, पुराना वाला खेलते, नया वाला नहीं खेलते। अब नया वाला आ रहा है तो अच्छी बात है, मुझे तो सही लगा ये फीचर, क्योंकि नया वाला एरेंगल आएगा तो ज़बरदस्ती सभी लोगों को नया एरेंगल खेलना ही पड़ेगा। देन नहीं खेलना तो और मैप्स को लोग ट्राई करेंगे, देन और अच्छा कॉन्टेंट बनेगा, और अच्छे लोग ज़्यादा खेलेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे सब, मतलब तरह तरह की बिल्डिंग्स हैं, और उसमें बहुत सारी अलग अलग प्लेसेस हैं, मतलब तुम कहीं जगहों पर जाओगे तुमको लगेगा कि सारा एरेंगल नहीं है, कुछ और देख ले तुमने। तो गाइस, ये देख सकते हो मैं यहाँ पर पोचंकी पर आ चुका था, और पोचंकी एकदम बिल्कुल अलग से देखने में लग रही है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, 3-story हाउसेज हैं। तो गाइस, ये पूरा एरेंगल 2.0 है। तो अगर तुमको खेलना है, तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके बिंदास होकर डाउनलोड करो, मज़े लूटो, और अपने दोस्तों को चिढ़ाओ कि तेरा भाई पहले से एरेंगल 2.0 खेल रहा है। तो गाइस यार, मस्त है यार, मतलब खेलो जरूर, मैं तो कहूँगा यार, बीटा में भी एक बार खेलो, और मेरे को बताना अगर बीटा वर्जन कितने बंदे डाउनलोड करोगे, मैं पोल जनरेट करूँगा, तो वहाँ पर अपनी IDs कमेंट कर देना बीटा वर्जन अगर खेलते हो तो। ठीक है, बीटा वर्जन खेलना, मैं भी खेल लूँगा तुम्हारे साथ में, मस्त अपन लोग मौज करेंगे। पहले तुम बीटा डाउनलोड कर लो, देन उसके बाद मैं पोल रखता हूँ, तो पोल में वोट करना,
ना कि कितने लोगों ने बीटा डाउनलोड कराया, और उसके बाद में फिर देखते हैं हम किस दिन प्लान बनाते हैं साथ में बीटा वर्जन खेलने का। तो बस यही कुछ छोटी मोटी डिटेल्स बतानी थी यार मुल्क को तुमको कि ये नई यूआई आ गई है, तो अगर आप पहले इस यूआई को देख लेते हो और अच्छे से इसको सीख लेते हो तो जब गेम में अपडेट आएगा आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और तुम अगर ऊपर से देख पाओगे कि यूआई के अंदर हमारे यहाँ से सिल्वर फ्रैगमेंट कॉइंस, यूसी, एजे करेंसी, इन सब के भी आइकन्स यहाँ से चेंज कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे ये टेम्परेरी भी डाल सकते हैं, क्योंकि टेम्परेरी कुछ लोग डाल देते हैं ग्राफिक्स वगैरह ताकि बाद में उनको 3D रेंडर निकाल के अच्छे से लगा देंगे। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, मैं इसी चीज़ का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इसलिए पता है कि हाँ ये 3D वगैरह, ये 3D मॉडलिंग सब क्या होती है, टेक्सचरिंग। तो गाइज़ फिर यही था आज की वीडियो में, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूंगा फिर आपसे किसी नई वीडियो में यार। तब तक के लिए गाइज़ टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।